हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और तो गाइस, आज मैं हॉस्पिटल नहीं गई क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और अभी मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ शाम से। मैंने वो व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया उस टाइम पर क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी ना, और आपको तो पता ही है। फिर विशाल बिल्कुल भी रिक्स नहीं लेते और वो ऐसे ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं थोड़ा सा मेरे को और बेबी को लेके। तो फिर मैं आज सुबह से ही फिर मैं रेस्ट कर रही थी क्योंकि मेरे है ना, मेरे पैरों पे इतनी ज़्यादा, क्योंकि एक तो काम ज़्यादा था, मैं घर का काम करना, फिर वहाँ गई, फिर शाम को आई, फिर शाम को सारा खाना वाना बना के भेजा मम्मी, क्योंकि मम्मी वहीं थी हॉस्पिटल ही, तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो गया ना। तो उस वजह से क्या हुआ, वेट भी अब बढ़ रहा है, तो वजन की वजह से और मेरे पैरों पे इतनी ज़्यादा स्वेलिंग, और वरना कभी मेरे को स्वेलिंग नहीं आई और अब आई है पहली बार। वो भी क्यों, क्योंकि मैं पूरा दिन खड़ी रही इस वजह से। सो हाँ जी, आ रही हूँ। तो इस वजह से फिर मैंने ना रेस्ट कर लिया गाइज, और मैं आगे व्लॉग कंटिन्यू कर ही नहीं पाई कल। तो मैंने सोचा कि चलो मेरी थोड़ी तबीयत ठीक हो जाए, उसके बाद फिर मैं फिर करूँगी, ठीक है। तो इस वजह से फिर अब मेरे पैर बिल्कुल ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ठीक है पैर बिल्कुल, आप देख सकते हो, अब नहीं है स्वेलिंग बिल्कुल भी, बस थोड़ा सा दर्द है, स्वेलिंग नहीं है अभी, बाकी तो सब ठीक है। हाँ जी, सब बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। सो गाइज, जा रहे हैं बेबी के कपड़े लेने क्योंकि वो आज आने वाला है शाम को, अभी रात हो रही है। और ठीक है, अभी शाम के हो रहे हैं, 7 बज रहे हैं। मैं और मम्मी जा रहे हैं मार्केट, मतलब पास वाली मार्केट में ही, क्योंकि बेबी के कपड़े लाने हैं, आज वो आने वाला है, तो इसलिए। तो अभी हम जा रहे हैं उनके कपड़े लेने, है ना, अपने भांजे राजा के, और फिर हम मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। क्यूट क्यूट से कपड़े, मेरा बहुत मन था, मम्मी कह रही नहीं तू रहने दे, तेरी तबीयत ठीक है, पर नहीं मैं जाऊँगी मेरे को भी देखने हैं बेबी के कपड़े क्यूट क्यूट से, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं भी चलती हूँ। ये तो मना ही कर रहे थे खड़ूस, मैंने कहा मैं भी चलूँगी। वो जो कपड़े वाला था वो होगा ना, सो मैं तो पैदल नहीं जाऊंगी, मैं तो ये बाइक से लेके जा रहे हैं, बाइक से जाएंगे ना, तो बाइक से जा रहे हैं, तो बस चलते हैं फिर फटाफट, फिर आके चले बीवी के कपड़े लेने। कोई साथ मार रहा है क्या गाड़ी वाले के लिए? चले सस्ता ले लूँ मैं, मेरे शॉप पे अभी बस मम्मी का वेट कर रहे हैं। अभी आए देख लेते हैं। हाँ, ये सेट है ना भैया, साथ में हाँ, चार के साथ ही, चार का सेट है, एक दो और दिखा और भी सामान है, तीन है, छह का ना, वो पांच का सेट है, चार का सेट है, हाँ कौन भी पांच का लगता है, ये इसका ये अच्छा लगा, किसी के साथ करा देंगे, ये येलो वाला पिंक ले रहे हो? अच्छा
कौन कौन से कर लिए? एक तो ये हो गए अरोर, एक ये वाले, ये तो बड़े हैं, ये आएंगे नहीं, ये छह से बड़े छोटे करते हैं क्या? उसमें तो मिला जुला कर दोगे और कुछ क्या? इसे दिखा दे जल्दी से बाजार लगा हुआ है यहाँ पे। ले लिया। सो गाइज फाइनली मैं अभी आ चुकी हूँ घर बेबी के कपड़े लेके, और उसके बाद बस फिर आके मैंने खाना वाना बनाया। अभी मैंने खाना खाया नहीं है, मैं सोची थोड़ी सी मैं पहले आप लोगों से बातें कर लूँ, क्योंकि एकदम खाना बनाते नहीं खाया जाता ना, थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लूँ मैंने कहा, फिर उसके बाद खाऊंगी। तो गाइज पहली बात तो मैं आप सबको बता दूँ कि बेबी बॉय हुआ है, क्योंकि सब लोग मुझसे पूछ रहे थे, क्वेश्चन पूछ रहे थे, हाँ जी क्या हुआ है, बेबी गर्ल है, बेबी बॉय है, बेबी गर्ल है, बेबी बॉय है, ऐसे सब लोगों के मेरे को मैसेज आ रहे थे। मतलब मैंने स्टोरी पे भी लगाया हुआ था भांजे राजा लिखा हुआ है, अगर लड़की होती तो रानी लिखती भांजी है ना, या फिर प्रिंसेस लिखती कुछ भी, अब मैंने सीधा सीधा लिखा हुआ है भांजे राजा, तो सबको समझना चाहिए ना कि लड़का ही है, लेकिन फिर भी हर कोई मेरे से पूछे जा रहा था कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, तो इसलिए मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं व्लॉग में बता दूंगी ओपनली कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। तो गाइज पहली बात तो ये कि बेबी बॉय है, ठीक है, घर तो अब वो अभी नहीं आएगा, दबी दीदी अपने घर जाएंगी, फिर अपना जापा वापा करा के तब आएंगी 2 महीने बाद, हाँ है ना, फिर मैं उसके साथ बहुत सारी खेली खेली करूँगी, तब तक थोड़ा ठीक भी हो जाएगा, वरना ऐसे छोटे बेबी होते हैं ना ऐसे गिल गिले से होते हैं, मेरे को थोड़ा डर सा लगता है कि हाय कैसे उनको कैसे उनकी केयर की जाए, तो बस वही थोड़ा डर लगता है, तो लेकिन ठीक है, मेरे को तो मैं बहुत खुश हूँ यार सच में, मतलब हम सब बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि कब होएगा कब होएगा कब होएगा, एक एक दिन गिन रहे थे उंगलियों पे कि पता नहीं कब होएगा कब होएगा कब होएगा, फाइनली वो दिन आ गया कि चलो बेबी आ गया। तो बस यही था गाइस कि अभी हम मैं जो आज कपड़े लेके आई थी बेबी के, वो अभी वैसे वो कल पहनेगा, कल भी शायद वो पहनेगा पता नहीं, क्योंकि उसके पास 2 जोड़ी है ना अभी अभी, क्योंकि दीदी हॉस्पिटल में अभी रहेंगे 1-2 दिन एडमिट, तो कल नहीं तो शाम को पहन लेगा, या शाम को नहीं सुबह पहन लेगा, लेकिन मैं उनको पहले अभी ऐसे तो नहीं दूंगी वॉश, क्योंकि बेबी यार बहुत छोटा है, मतलब न्यू बॉर्न बेबी है, और बेबी की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, और उसे स्किन क्या वो पूरा इतना सेंसिटिव होता है, और अभी उसको आए हुए 2 दिन नहीं हुए इस दुनिया में, तो ये है ना कि हमें अपनी सेफ्टी बरतनी चाहिए। अब न्यू कपड़े हैं, पता नहीं कितने लोग आते हैं दुकान पे, कौन कौन हाथ लगाता है, बैक्टीरिया आते हैं कपड़ों में, तो इस वजह से लोगों के हाथों से, तो मैंने सोचा कि मैं उसको अच्छे से पहले मैं उसके डिटॉल के पानी में उनको वॉश करके, ऐसे साबुन वाबुन नहीं लगाऊंगी, सिर्फ वॉश करूंगी डिटॉल के पानी में, अच्छे से उनको भिगो के रखूंगी 5-10 मिनट, फिर उनको निकाल के अच्छे से वॉश करके साफ पानी में सब उनको सुखा के तब मैं उनको उसके लिए जाएगा, तब वो पहनेगा। देख रहे हो मामी कितना प्यार करती है आपसे, अभी आप आए भी नहीं हो मेरे पास, लिया भी नहीं मैंने आपको गोदी में, और फिर 2 महीने बाद तो आप वैसे भी मेरे पास ही आ जाओगे, वो भी 2 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, मैं आपको खूब खिलाऊंगी, खेली खेली करूंगी आपके साथ बहुत सारी, और जब आप बड़े हो जाओगे ना तो ये वाले व्लॉग देखोगे, फिर आप कहोगे वाओ मामी आपने मेरी, देखो मेरी डिलीवरी के टाइम पे जब मैं आया था इस दुनिया में आपने मेरा व्लॉग बनाया मेरी मेमोरी के लिए, है ना, देखो फिर देखेगा वो बड़ा होकर देखेगा फिर मेरी मामी कितनी अच्छी है ना। तो गाइज बस यही था आज का व्लॉग, और अब मैं जा रही हूँ सोने, बस खाना वाना खा के, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ, और मेरे थोड़े जो पैर हो रहे हैं ना, पता नहीं क्या हो गया यार पैरों में, मतलब मेरे को अभी तक तो ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन मैं जैसे 2 दिन मैंने थोड़ा ज़्यादा वर्कलोड हो गया ना मेरे ऊपर, तो इस वजह से मेरे को मेरे तलवे ना ऐसे जल रहे हैं जैसे मिर्ची लग जाती है ना,
गर्मियों में जब हम मिर्ची काटते हैं उसके बाद जो जलन होती है लाइक वैसे हो रहे हैं मेरे पैर, पता नहीं क्यों। आज मैंने फिर इनको गर्म पानी से किया सिखाई, फिर मैंने मसाज भी की थोड़ा ऑयल लगा के, फिर बर्फ़ के बर्फ भी लगाई कि थोड़ी ये जलन कम हो जाए, बट थोड़ी सी जलन कम है, बट अभी भी ऐसे लग रहा है कि हाँ बहुत भारी भारी सा, मोटा मोटा सा, ऐसे एक दर्द सा, चुभन सी ऐसा फील हो रहा है मेरे पैरों में, शायद प्रेगनेंसी की वजह, हाँ प्रेगनेंसी की वजह से ही है ऐसे तो। खैर क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना कि वेट भी बढ़ रहा है तो उस वजह से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि इंसान, मैं मोटी भी हो रही हूँ और मेरे छोटू से पैर है मेरे और उन पे ज़्यादा वजन हो रहा है, इस वजह से क्या नाम है दर्द हो रहा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, रुको ये देखना कैसे, मतलब कैसे हो ये, पता है मेरे को ये जो चीज़ें है ना, ये पार्ट जो है इसका, ये मेरे से टच भी नहीं किया जा रहा, मतलब इसमें इतना दर्द हो रहा है ऐसे, और रेड रेड सा हो रहा है, इतने रेड तो कभी नहीं रहते मेरे, मतलब इतने रेड तो कभी नहीं रहते। सॉरी गाइस मेरे कपड़े फैले हुए हैं, प्लीज़ गंदा मत बोलना मुझे, क्योंकि मैं काम भी होता है यार और फिर मैं थक भी बहुत जाती हूँ, तो बस ऐसे कपड़े चेंज करके चली गई, अब पहनूंगी आके ये जो, ये देखो ये वाली जो चीज़ है ना, इतना ज़्यादा दर्द कर रही है यार, बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है सच्ची, मेरे से बिल्कुल भी मतलब ऐसे हो रहा है कि अब तो, पर सूजन नहीं है, थोड़ा हल्का फुल्की है जो मुझे फ़ील हो रही है, जैसे हम मैं फर्श पे पैर रखती हूँ ना तो मेरे को ऐसे फील होता है कि भारी भारी कुछ, मोटा मोटा सा, कि जन पता नहीं कितना भारी है तेरे पैर, कितने मोटे हो गए हैं, भारी हो गए हैं, हाथी का सा पैर हो रहा था सुबह तो बट अभी ठीक है। सो गाइस बस यही था आज का व्लॉग, और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने, मेरे को भूखी भूखी लगी है ना, और उसके बाद फिर हम आपसे कल मिलेंगे, ठीक है, कल एक न्यू व्लॉग के साथ। और जो अगर मैं जो बेबी आ जाएगा, वैसे मैं जाऊंगी वहाँ पे बेबी को साथ खेले खेले करने थोड़ी देर, उसके बाद फिर मैंने स्टोरी पे लगाया था, बहुत क्यूट है बैचलर नज़र। तो बस गाइस मैं जा रही हूँ अभी, फिर आप बोलोगे बार बार बोलती है जाने के लिए, जाती है नहीं, पकाती रहती है लड़की हमें, मैंने कितनी बार बोल दिया ना मैं जा रही हूँ, लेकिन फिर आप लोगों से बात करने लग जाते हो, अच्छा लगता है ना मुझे कि आप सुनते हो मुझे और मैं सुनाती हूँ आपको जो भी चीज़ें होती है मेरे साथ, तो और फिर आप कमेंट करके पूछते हो, मैसेज करके पूछते हो, तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ सीरियसली, बिकॉज मेरे पास आप लोग हो, आप लोगों का प्यार है, सो थैंक यू सो मच गाइज, इसी तरीके से अपना प्यार देते रहना बस। गुड नाइट गाइज, मिलेंगे आपको कल वाले व्लॉग में, और कल व्लॉग में मिलेंगे फिर, तब फिर जो भी होगा मैं जाऊंगी हॉस्पिटल, मैं आपको ज़रूर मिलवाऊंगी बुगली के भाई बहन से, भाई से, ठीक है। अब उसके बाद फिर बहुत सारी मस्ती करेंगे उसके साथ, ज़्यादा मस्ती ठीक नहीं है, अभी छोटू है वो। ओके गाइस बाय, गुड नाइट।